Hello and welcome to the official YouTube channel of Reinforced Quantity Surveys and Training Private Limited and Facebook Live of our Reinforced Quantity Surveys and Training Private Limited. This is a venture company of Reinforced Construction and Projects Private Limited. My name is Sohail. I am the assistant QS trainer of this company, and today I am here with the next session of our lecture series. I hope आप सबको ये session अच्छा लग रहा होगा. जो भी हमारे trainers आपको session दे रहे हैं regarding today planning, engineering, quantity surveying, tendering and all. तो मैं आज अपना जो हमारा लेक्चर सीरीज जो G+2 प्रोजेक्ट में करा रहा हूँ उसी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब एंड सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. तो आप हमारी प्रीवियस सेशन को देख लीजिएगा. इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है. फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज आपको बताया कि कैसे एक सिविल इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेयर बन सकता है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर इन क्वांटिटी सर्वेइंग फील्ड एंड हाउ कैन यू बी ए वेल क्वांटिटी सर्वेयर विद दी स्किल. तो अभी फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा कि हम कहाँ पे है, हमने कितना किया है. तो जो फर्स्ट हमारे कुछ सेशंस रहे हैं उसमें हमने क्वांटिटी कैलकुलेशन किया है कि कैसे सैंड सीमेंट एग्रीगेट की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे बीम हो, फुटिंग हो, कॉलम हो, स्लैब हो. ओके, तो जो मेरा प्रीवियस सेशन था उसमें भी हमने बीबीएस स्टार्ट किया था, बार बेंडिंग शेड्यूल. तो बार बेंडिंग शेड्यूल का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि बार बेंडिंग शेड्यूल एक्चुअली में होता क्या है और इसमें हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कैसे हम क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे विद एज पर आईएस कोड प्रोविजंस. ओके, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो आज का सेशन में हम क्या करने वाले हैं, उसी प्रोजेक्ट का हम आज बीबीएस निकालेंगे जो हमारा G+2 प्रोजेक्ट करता है. तो बीबीएस कैलकुलेशन हमेशा किस चीज पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोविजन हमें दे रखा है. हर एक ड्रॉइंग में अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड के प्रोजेक्ट होते हैं. चलिए हम देखते हैं कि आज वाले जो हमारा G+2 प्रोजेक्ट है इसमें जो हमारे पास ड्रॉइंग है उसमें किस टाइप की फुटिंग दे रखी है और किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये आप देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन मैंने पहले भी आपको दिखाया है हमने जब इसका क्वांटिटी कैलकुलेशन किया है. तो आप देख लीजिएगा, सिंपली यू कैन से जो फुटिंग इसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है इस पूरे फुटिंग में, इट्स अ डबल मेश फुटिंग. डबल मेश फुटिंग इन द सेंस मतलब कि बॉटम में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, टॉप में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है. ओके, तो ये चीज आपको पता चल गया है कि इसमें डबल मेश फुटिंग है. तो आप डबल मेश फुटिंग के लिए अगर मैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, इसका एक्सेल शीट भी दिखाएंगे, एक्सेल पे कैसे आपको काम करना है सो दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द रेनफोर्समेंट क्वांटिटी ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, आपको पूरा ये एक्सेल शीट भी हम आपको समझाएंगे, इसका एक्सेल शीट का फॉर्मेटिंग क्या बनेगा वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. यू कैन सी हियर, तो ये पूरा चीज एक्सप्लेन किया गया है. ये देख लीजिए, पूरे जो हमारे इस स्ट्रक्चर में फुटिंग्स है F1, F2, F3, उनके नंबर्स हमने काउंट किए हैं. तो शेप ऑफ बार कैसे बनेगा वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. तो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है अगर आपको किसी भी मेंबर का BVS बनाना होता है. तो ये चीज आपको तब समझ में आ जाएगा. तो आई वुड लाइक टू गिव द वन मेंबर एनालिसिस. वन मेंबर एनालिसिस मतलब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो चीज आपको फॉलो नहीं करना है. मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि बीबीएस में कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरह से हमें स्टेप्स को फॉलो करके बीबीएस कैलकुलेशन करना होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द एनालिसिस ऑफ वन मेंबर. वेट, वन मेंबर एनालिसिस करेंगे हम. तो ये चीज आपको अभी तक क्लियर हुआ है कि ये डबल मेश फुटिंग है. तो डबल मेश फुटिंग का ही मैं एक एग्जांपल ले लूंगा कि डबल मेश फुटिंग में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना होता है. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो डबल मेश फुटिंग होता है इसमें बॉटम में ये वाला जो बार है इसको बॉटम मेन बार बोलते हैं, इसको बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं. तो बॉटम मेश में मेन बार और टॉप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है. एंड सेम इज द केस विद द टॉप मेश. टॉप मेश में भी बॉटम मेन टॉप मेन बार होता है और बॉटम टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है. ओके, तो हम हमारे पास चार जो बार इसमें प्रोवाइड किए हैं सबके लिए अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने हैं. देन एंड ओनली देन वी बी एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फुटिंग. ओके, तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बार्स होते हैं फुटिंग में. ओके,
आप सपोज करिए ये जो मैं बार्स बना रहा हूँ, दिस इज अ बॉटम मेश एंड द बार्स आई एम ड्रॉइंग आर द बॉटम मेन बार. तो सेम विल बी द केस, इसी तरह से जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा ये चीज मैं आपको इसलिए ये चीज मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको क्रॉस सेक्शन समझ में आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे फ्रेशर इंजीनियर्स रहते हैं जिन्होंने कभी ड्राइंग नहीं देखी होती है, तो उनके लिए ये चीज मैं बना रहा हूँ. ओके, उनको मैश समझ में आ जाए कि हमें ये जो टिप दिख रहा है ये किस तरह से है, ये किस पे डिपेंड करता है. ओके, तो ये जो मेश मैंने बनाया है इट्स अ बॉटम मेश. तो आप जब जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है आप इमेजिन कर लीजिए कि आप यहां से देख रहे हैं. जब आप यहां से देख रहे हैं तो जो ये रेड कलर का मैंने बार बनाया है इट इज द मेन बॉटम मेन बार. बॉटम मेन बार, बॉटम मेन बार आपको पूरा दिखेगा. एंड सेम इज द केस हेयर, वेट, जो आपको रेड कलर का मैंने दिखाया है तो वही चीज आप इस क्रॉस सेक्शन में देख लीजिए, वो आपको पूरा दिख रहा है. और जो टिप दिख रहा है दैट इज द अदर कलर दैट आई हैव मेंशनड हियर इन द ड्राइंग. तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाया है. देखिए तो यहां से जब आप देखेंगे साइड से आप इमेजिन कर लीजिए तो इस बार का सिर्फ आपको टिप दिखेगा, दैट इज द बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार. एंड सेम ऐसा ही केस टॉप मेश के साथ भी होगा. जब आप टॉप मेश का देखेंगे आपको जो टॉप मेन बार है वो आपको पूरा दिखेगा और जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका सिर्फ आपको टिप दिखेगा. तो अगर हम यहां से देखेंगे, यहां से क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आपको जो मेन बार है उसका सिर्फ टिप दिखेगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो पूरा दिखेगा. तो क्रॉस सेक्शन यहां से कट किया गया है, यहां से कट एक्स एक्स से कट किया गया है, तो इसीलिए आपको ये चीज में अब आपको समझ में आया होगा. तो अब मैं आपको एक वन मेंबर एनालिसिस समझाऊंगा. वन मेंबर एनालिसिस मतलब एक न्यूमेरिकल कराऊंगा कि उसमें डबल मेश फुटिंग प्रोवाइड किया होगा. उसके बाद हम पूरे इस जो भी हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है इसमें जितने भी फुटिंग्स यूज किए गए हैं उन सबका हम बीबीएस शीट एक्सेल के हिसाब से बनाएंगे. तो पूरे इस वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगे. आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रीइंफोर्समेंट गाइडलाइंस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग. तो स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग में जो भी गाइडलाइंस दे रखे होते हैं फॉर कैलकुलेशन एंड फॉर प्रोविजन ऑफ द रीइंफोर्समेंट, आई विल बी आल्सो डिस्कसिंग द गाइडलाइंस एज वेल. ओके, तो लेट्स प्रोसीड विद आवर लेक्चर. आई विल बी गिविंग द वन वन मेंबर एनालिसिस, लेट्स स्टार्ट. तो मैंने एक न्यूमेरिकल किया है. इस चीज तरह से आपको करना नहीं है जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगे. यू डू नॉट नीड टू डू द एनालिसिस लाइक दिस, बट इट इज आई एम ओनली शोइंग दिस टू एक्सप्लेन यू. आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज में समझा रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. तो बीबीएस आप डबल मेश फुटिंग कर रहे हैं, सपोज मैं एक फुटिंग कंसिडर कर रहा हूँ जिसका लेंथ 3.2 मीटर है और जो ब्रेथ है 2.8 मीटर है. तो डबल मेश का जो इसका डबल मेश फुटिंग है तो इसमें जो बॉटम मेन बार है वो 12 mm का है एट द रेट ऑफ 175 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और जो बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका 10 mm है एट द रेट 170 mm स्पेसिंग. और अब आप जो टॉप बार है उसका भी 12 mm एट द रेट 150, 10 mm एट द रेट 175. तो सबसे पहले चार बार अलग अलग निकालने हैं, उनके नंबर्स निकालने हैं. जो मैंने प्रीवियस सेशन आप देख लीजिए उसमें मैंने आपको बताया कि अगर हमें एक पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी निकालनी होती है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. लेंथ निकालना, कटिंग लेंथ निकालना, इसके बाद हम यूनिट वेट निकालते हैं, तब जाके हमारे पास एक बार का टोटल वेट आता है. तो वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं चारों बार, चार बार इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, हर एक के लिए वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद ही हमारे पास कंप्लीट रेनफोर्समेंट हमारे पास आ जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप मेश की. टॉप मेश जो है टॉप में भी हम क्या करेंगे, मेन बार का अलग निकालेंगे और बॉटम मेन बार का अलग निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बार का अलग निकालेंगे. इसी तरह से सेम स्टेप्स हम कहां पे फॉलो करेंगे, बॉटम मेश के साथ. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप मेश का. बीबीएस हम किसका निकालेंगे, मेन बार का. तो मेन बार जो टॉप मेश में है वो ये वाला है, इसका जो हमारे पास 12 mm का डाया है और 150 mm की स्पेसिंग है. तो स्टेप्स कौन से हमें फॉलो करने हैं, जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको
एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, तो इस बार का लेंथ हम कैसे पता चलेगा जो टॉप में दे रखा है, तो 3.2 हमारी फुटिंग का लेंथ है, हमने इसमें टू टाइम्स कवर माइनस किया है, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बार की लेंथ आ गई। अब कटिंग लेंथ निकालनी है, तो कटिंग लेंथ के लिए हम यही वैल्यू लेंगे, एक तो इस चीज को ऐड करते हैं जो इसका लेंथ आया है, इसी को इसमें हम जो ये बेंडेड पोर्शन है इसका लेंथ भी हम कंसिडर करते हैं अलोंग विद द बेंट लॉस, बेंट लॉस भी हम कंसिडर करते हैं। तो यही चीज हमने किया है कि 3.1 हमारा लेंथ था प्लस 2 इनटू 40D। अब आप बोलेंगे सर ये 40D कहाँ से आता है, हमें कैसे पता चलेगा, तो ये चीज मेंशन यहाँ पे दे रखा है कि जो बेंडेड पोर्शन है इसका लेंथ जो आपको लेना है दैट इज 40 टाइम्स डायामीटर ऑफ दैट बार, तो वही चीज मैंने लिया है। इसके अलावा मैंने 4 टाइम्स डी, डी व्हाट इज डी, डी इज द डायामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर बार दैट इज 12 mm। तो ये जो 4D मैंने डिडक्ट किया है दैट इज द बेंट लॉस, बेंट लॉस यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का बेंट था, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का बेंट था, दैट इज 2 टाइम्स डी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, तो टोटल 4D इसमें डिडक्शन होगा, तो हमारे पास कटिंग लेंथ आ गया 4.01 मीटर। तो ये किस बार का हमारे पास लेंथ आएगा, जो टॉप में हमारे पास मेन बार दे रखा है, इसका हमने लेंथ निकाला है, लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ लेंथ आया, हमें तो क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए ये एक बार का लेंथ आया है, हमें क्या चीज कैलकुलेट करना होगा, इस पूरे फुटिंग में जो इस तरह से बार लगेगा जो भी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, देखिए एक बार फिर से मैं वो चीज आपको दिखाऊंगा। अभी तक हमने सिर्फ टॉप वाले मेश में ये जो मेन बार लगा है इसका लेंथ निकाला है, इसका बेंडेड पोर्शन को भी कंसिडर करके लेंथ निकाला है। अब हमें ये चीज भी कैलकुलेट करना है कि इस तरह से इसी साइज के कितने बार लग रहे हैं, तो इसी साइज के कितने बार लग रहे हैं दैट विल डिपेंड अपॉन द अदर डायमेंशन ऑफ दैट फुटिंग। तो इस हमारे इस फुटिंग में जो अदर डायमेंशन है वो कौन सा है, दैट इज 2.8 मीटर। यहाँ पे देख लीजिए ये 2.8 अपोजिट लेंथ जिसको बोलते हैं, तो अपोजिट लेंथ को कंसिडर करके हम क्या करेंगे कि इस तरह के कितने बार लगेंगे, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार्स। कटिंग लेंथ निकाल दिया, तो नंबर ऑफ बार्स के लिए अपोजिट लेंथ 2.8 लिया है माइनस 2 टाइम्स कवर डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1, तो हमारे पास 19 बार्स आ गए। तो यूनिट वेट हम कैसे निकालते हैं, दैट इज डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, तो डी का वैल्यू यहाँ पे देख के डायरेक्टली हमारे पास 0.88 आ गया है, तो टोटल वेट हमारे पास आ गया है। तो ये टोटल वेट किसका आया है, जो हमारे पास टॉप में सिर्फ मेन रेनफोर्समेंट मेन बार जो प्रोवाइड किया गया है सिर्फ उसका टोटल वेट आया है। तो सेम हम क्या करेंगे, बीबीएस आप डिस्ट्रीब्यूशन बार करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार लेकिन वहां कहां पे, टॉप मेश के लिए, तो टॉप मेश के लिए भी यही स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। लेंथ ऑफ बार कैसे कंसिडर करेंगे, 2.8 माइनस 2 कवर लेंथ आ गया, फिर कटिंग लेंथ में क्या करेंगे, जो बेंडेड पोर्शन है उसका लेंथ कंसिडर करेंगे विद द बेंट लॉस और माइनस 4 टाइम्स डी, 2 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार क्यों माइनस हुआ है, तो वो चीज भी मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए अब ये वाला बार था, ये जब बेंड होगा नीचे की तरफ से इसमें तो सिर्फ कवर माइनस हो रहा था, लेकिन इसमें ऊपर वाले जो टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार का जो डाया है वो भी डिडक्ट होगा, तब जाके हमारे पास एग्जैक्ट कटिंग लेंथ आ जाएगा। देखिए 2 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार भी माइनस किया है, उसके बाद बेंड लॉस किया है, तब जाके हमारे पास कटिंग लेंथ आ गया। तो नंबर ऑफ बार्स के लिए भी हम क्या करेंगे, वही अपोजिट लेंथ इस टाइम क्या आएगा, अब यहाँ पे फिर से आ जाइए आप, वेट Yes. अभी तक हम ये वाले जो रेड कलर मैंने यहाँ पे दिया है इसका लेंथ निकाल रहे थे, अब ये वाला जो है ये कितने बार लगेंगे, इसका जो अपोजिट लेंथ होगा दैट विल बी दिस डायमेंशन। तो ये वाला डायमेंशन हमारा कितना है, हमारे एक्चुअल जो एग्जांपल मैंने लिया है उसमें ये वाला डायमेंशन हमारा 3.2 है, तो उस पहले हमने कितना अपोजिट लेंथ लिया है 2.8, और इस टाइम जो हमारा अपोजिट लेंथ आएगा That will be 3.2. 3.2 minus 2 का divided spacing plus 1, तो हमारे पास 19 bars. So that is similar. तो इसी तरह से ये steps हम follow करेंगे. तो इसी तरह से हम फिर bottom mesh का निकालेंगे. Bottom mesh में भी हमें क्या निकालना होगा? Bottom main BBS of bottom main bar निकालना होगा और BBS of bottom distribution bar निकालना होगा. तो ये स्टेप्स हमें इसलिए मैंने ये चीज बताया सो दैट आपको थोड़ा सा स्टेप्स के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा। तो अब हम पूरे हमारे स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे चलते हैं। तो इस पूरे अगर आप अब आपको इस फुटिंग में आपको बीबीएस निकालना है प्रोफेशनल तरीके से आपको बीबीएस निकालना होगा तो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट क्वांटिटी। ओके वेट होल्ड ऑन आई विल बी गोइंग अप टू द क्रॉस सेक्शन। यस तो अब हम इस चीज का बीबीएस निकालेंगे एक्सेल शीट पे।
तो ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको इस तरह से फॉलो नहीं करना होता, दिस इज ओनली टू गिव यू द आइडिया अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ बीबीएस। ओके, नाउ ये जो फुटिंग है, ये क्रॉस सेक्शन आपको समझ में आ गया है। इसमें भी बॉटम मेन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज टू चेक द प्लान ऑफ फुटिंग। तो ये कॉलम का प्लान है, मैं फुटिंग्स का कॉलम आपको फिर से दिखा, फुटिंग्स का आपको प्लान फिर से दिखाऊंगा। ये फुटिंग का प्लान है। तो हमने हमारा अब हमारे पास जो फुटिंग्स है, ये इतने नंबर ऑफ फुटिंग्स है, इसमें F1, F2, F3 के फुटिंग्स है जिनके डिफरेंट डायमेंशंस है। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए हमने जब काउंट किया था, जब हमने प्रीवियस सेशन में क्वांटिटी कैलकुलेट किया था, तो एक्सेल पे मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें हमने देखा था कि F1 की कितने फुटिंग थी, इसमें F2 की कितनी थी और F3 की कितने टाइप की फुटिंग्स। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, हमारे फेसबुक लाइव पे या यूट्यूब पे भी आप हमारा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हमारा F1 फुटिंग था, हमारे जो स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया गया है, इस G+2 स्ट्रक्चर में F1 फुटिंग प्रोवाइड किया है। तो F1 कितने फुटिंग थे, 4 फुटिंग थे F1 टाइप के, और जो हमारे F2 फुटिंग थे वो कितने थे, 10 F2 के फुटिंग थे, और जो F3 फुटिंग थे वो भी 4 थे। अब सबसे पहले हम किसका BBS निकालेंगे, F1 फुटिंग का। F1 फुटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज कैलकुलेट करना है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको दिखाया है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि 4 चीजें आपको फॉलो करनी है। बॉटम मेश में भी आपको अलग अलग बॉटम मेन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना है, और टॉप मेश में भी आपको क्या, टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना है। तो इनका शेप्स कैसे बनेंगे, ये शेप्स आ गए हैं। तो यही चीज हम आपको प्रोफेशनली कैसे एग्जीक्यूट करना है, एक्सेल पे कैसे फॉर्मेटिंग होती है बार बेंडिंग शेड्यूल की, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, लेट्स प्रोसीड विद आवर सेशन। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने F1 फुटिंग में कौन सा निकाला है, डिस्क्रिप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज निकाला है, बॉटम रेनफोर्समेंट इन L डायरेक्शन। इट मींस दैट वी आर कैलकुलेटिंग द बॉटम मेन बार फर्स्ट। तो बॉटम मेन बार फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बॉटम मेन बार हम जब कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू चेक द डायमेंशन ऑफ द फुटिंग। तो डायमेंशन फुटिंग का, हमारा जो हमारी फुटिंग इसमें प्रोवाइड की गई है F1 फुटिंग, उसका डायमेंशन कितना है, आई होप इट्स 2000 mm। तो 2000 mm का फुटिंग का डायमेंशन है। इसका मतलब जो ये जो है स्क्वायर फुटिंग प्रोवाइड की गई है, इसमें जो मेन बार है वो इस तरह से लगेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार ये भी इस तरह से लगेगा इस डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो बॉटम मेश है, बॉटम मेश में मेन बार कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो 2000 आपको समझ में आ गया है कि 2000 भी फुटिंग का डायमेंशन है। तो ये देख लीजिए कि स्पेसिंग जो इसमें मैंने लिखा है कि 180 mm का स्पेसिंग है। तो ये कहाँ पे मेंशन है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए हम आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में लेके जाते हैं कि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग हमें कहाँ से पता चलेगा और हमें कैसे पता चलेगा। क्रॉस सेक्शन में ये चीज नहीं दे रखा है कि जो बॉटम का मेन बार, यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि जो बॉटम का मेन बार या बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार या टॉप का मेन बार या टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन, इनका डाया क्या है, उनका स्पेसिंग का है। तो इसके लिए अलग सा टेबल दे रखा होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम क्वांटिटी निकाल रहे थे, मैंने बोला था कि ये डेटा हम कब कंसिडर करते हैं, जब हम बीबीएस कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी हम बीबीएस वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एल डायरेक्शन में हम क्या निकाल रहे हैं, एल डायरेक्शन में हम बीबीएस निकाल रहे हैं। तो कौन सा यूज किया गया है, 12 mm डाया का रेनफोर्समेंट का बार है और उसका जो स्पेसिंग है 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार में। तो इसी चीज को कंसिडर करते हुए एक्सेल शीट पे फॉर्मेटिंग के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पे आइए देखिए, तो 180 mm हमारा स्पेसिंग आया है, 12 mm डाया लिया है। ये चीज मैंने आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग से दिखाया है कि मैंने कहाँ से ये डेटा लिया है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स 4 है F1 फुटिंग के। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, लेट्स फर्स्ट चीज हम आपको कटिंग लेंथ क्लियर कर लेते हैं। तो ये 1900 कहां से आया है, 1900 कहां से आया, हमारे फुटिंग का डायमेंशन था जो कि 2000 था। तो उसमें हमने दोनों साइड से कवर डिडक्ट किया है। कवर डिडक्शन कहां से लेते हैं, वेट, तो कवर डिडक्शन कहां से लेते हैं, तो दोनों साइड, क्योंकि हमेशा जब भी हम बार प्रोवाइड करते हैं, क्रॉस सेक्शन पे आप आ जाइए, देखिए तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, बॉटम का मेन बार का लेंथ निकाल रहे हैं। तो लेंथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस एंड से लेके यहां तक हम कंसिडर, जो यहां से जहां तक जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको लेंथ बोलते हैं।
तो जब हम बेंडेड पोर्शन का लेंथ भी कंसिडर करते हैं अलॉन्ग विद द बेंट लॉस, उसको कटिंग लेंथ बोलते हैं। तो उसी साइज का हमें बार कट करना होता है जब हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। ओके, तो जब हमें यहां तक हमारे पास हमें जब ये लेंथ निकालना होगा यहां से लेके यहां तक, तो हमें क्या करना होगा, जो फुटिंग का जो लेंथ है, लेंथ जो है फुटिंग का, उसमें दोनों साइड से कवर डिडक्ट करेंगे। ये वाला जो स्पेस बच रहा है इसको कवर बोलते हैं। तो यहां से भी एक कवर डिडक्ट करेंगे और यहां से भी एक कवर डिडक्ट करेंगे, तब हमारे पास लेंथ ऑफ बार आ जाएगा। तो कवर इसमें कहां कितना है, फुटिंग में कितना कवर है, वो चीज मैं आपको अब दिखाऊंगा। आप वेट करिए, स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग में ये चीजें कहां पे दे रखी होती है। आई एम मूविंग अप टू दैट सेक्शन, कहां पे हमें पता चलेगा कि फुटिंग में कितना कवर है और स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग में ये कहां पे दे रखा होता है। होल्ड ऑन, आई एम मूविंग अप टू द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस इस ड्रॉइंग में दे रखे है वही गाइडलाइंस पे जा रहा हूं मैं। ओके, यस, ये हमारे पास जो गाइडलाइंस है, दीज आर द लोडिंग गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस, ये चीज ये मैंने डिस्कस करे है जब हम क्वांटिटी कैलकुलेशन कर रहे थे। ओके, फाउंडेशंस, रेनफोर्समेंट, यस, यहाँ पे आ जाइए आप, ये कवर दे रखा है रेनफोर्समेंट की, तो हमें गाइडलाइंस चेक करनी है। यहाँ पे दे रखा है कि कवर कितना लेना है। ओके, ये देखिए, तो हमारे पास जो बीम्स है, बीम में हमें 30 mm का कवर लेना है और जो कॉलम है उसमें 40 mm का लेना है। फाउंडेशन में कितना हमें लेना है, 50 mm का कवर लेना है। तो यहाँ से हमने देखा कि 50 mm का कवर हमें कंसिडर करना है इन द कैलकुलेशन ऑफ BBS। तो इसी चीज को हमने कंसिडर करते हुए यहाँ पे इस चीज का दोनों साइड से 50 mm डिडक्ट होगा। तो 2000 में हमने 50-50 डिडक्ट किया है, हमारे पास 1900 जो आ गया है, दैट इज द लेंथ ऑफ द बॉटम मेन बार प्रोवाइडेड इन द F1 फुटिंग। तो अब हमारे पास जो बेंडेड पोर्शन है, तो बेंडेड पोर्शन का हमने लेंथ कैसे निकाला है, दैट इज एज पर आईएस कोड, तो कितना लिया है 16 टाइम्स डी, तो डायमीटर ऑफ द बार कितना है 12 mm, तो 16 इंटू डी दैट 192। तो अब हम यहाँ पे देख लीजिए, जो बेंडेड पोर्शन है उसका जो हमारे पास लेंथ आया है दैट इज 192 mm। ये देखिए, ओके, तो ये जो बेंडेड पोर्शन है इसका लेंथ हमने 16 टाइम्स डी लिया है, अदरवाइज इट विल बी मेंशन, अगर इससे ज्यादा कहीं और 20 डी या कुछ भी वैल्यू दे रखा होगा तो वो ही चीज आपको कंसिडर करके इस चीज का लेंथ निकालना होगा। तो इस चीज का अब जब हमने एक लेंथ निकाला है, बेल्ट लॉस को भी कंसिडर करेंगे, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल कटिंग लेंथ ऑफ दिस बार ऑन एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट है, ओके, तो ये हमारे पास 192 mm यहां से आया है, 192 mm यहां से आया है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया है, तीनों वैल्यूज को ऐड किया है, तो ये हमारे पास कटिंग लेंथ आ गया है। तो इसको हमने मीटर में चेंज किया, बाय 1000 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ वन बार आया है। अब आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बार्स के लिए मैंने बहुत बार ये फॉर्मूला रिपीट किया, तो फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। तो राउंड अप में हम बार्स निकालते हैं, राउंड अप का फॉर्मूला लगा के इसमें मैंने क्या किया है, अपोजिट लेंथ हमारे पास 2 मीटर की फुटिंग है, तो 2 मीटर ही अपोजिट लेंथ आएगा, अपोजिट लेंथ माइनस ट्वाइस कवर 50 mm का, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके 2 × 0.05, तो ये हमारे पास अपोजिट लेंथ माइनस 2 कवर डिवाइड बाय स्पेसिंग कितना था हमारा इसमें 180 mm का, और प्लस 1 हमारे पास नंबर ऑफ बार्स जो आया है दैट इज 12। ओके, तो इसी तरह से हमने क्या किया है, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ आ गया, नंबर ऑफ बार्स आ गया। अब आप फिर से याद कर लीजिए, जो हमने प्रीवियस में आपको एग्जांपल दिखा रहा था न्यूमेरिकल, उसमें कौन कौन से स्टेप्स थे, एक लेंथ था, कटिंग लेंथ था, नंबर ऑफ बार्स था, यूनिट वेट था, तो हमारे पास टोटल वेट आ जाता है। तो वही स्टेप्स यहाँ पे एक्सेल पे प्रोफेशनली कैसे आपको करने हैं, तो वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास टोटल कटिंग लेंथ निकालना है, तो ये चीज हम किस लिए बना रहे हैं, मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 8 mm का कितना सरिया लगेगा, उसका क्वांटिटी अलग आता है, 10 mm का सरिया कितना लगेगा, 12 mm का कितना लगेगा, 16 mm का कितना लगेगा, या 20 mm का कितना लगेगा, हर एक का क्वांटिटी अलग अलग आता है। तो 12 mm का हम अभी निकाल रहे हैं, तो ये कैसे आ गया,
अब ये जो था हमारे पास कटिंग लेंथ एक बार का था, लेकिन आप सोच लीजिए कि इसी लेंथ का जो हमारे पास बार्स लगेंगे, एक फुटिंग में 12 बार लगेंगे, कितने लगेंगे 12, लेकिन हमारे पास इसी साइज के 4 फुटिंग है, तो 4 नंबर ऑफ मेंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कटिंग लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल कटिंग लेंथ आ गया। तो टोटल कटिंग लेंथ आप देख लीजिए, यही फॉर्म, यही नहीं वैल्यूज को कंसिडर किया है, एल जे आई, और एल एल तो हमारे पास कटिंग लेंथ आया है, और जे हमारे पास नंबर ऑफ बार्स, और आई नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये हमारे पास 109.63 मीटर हमारे पास टोटल कटिंग लेंथ था, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया। तो वापस हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे आते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ ये चीज निकाला है कि जो बॉटम का जो बार इसमें प्रोवाइड किया गया है, बॉटम मेन बार, चार जो हमारे F1 की 4 फुटिंग है उनमें टोटल कितना क्वांटिटी इस चीज का लगेगा, वो चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, कहाँ पे, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी हम करेंगे, और इसी तरह से टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार में फॉलो करेंगे। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि इसमें जो डिडक्शन हम करते हैं, आप देख लीजिए, जब मैंने बॉटम मेन बार का हमने निकाला था तो हमने सिर्फ कवर डिडक्ट किया था, तो जब हम बॉटम मेन बार का हम लेंथ निकाल रहे तो मैंने दोनों साइड से सिर्फ कवर डिडक्ट किया था। लेकिन अगर हम टॉप मेन बार का निकालेंगे, हमें कवर दोनों साइड से कवर भी डिडक्ट करना होगा, और कवर के अलावा जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया है वो भी दोनों साइड से डिडक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉप का जो मेन बार है वो अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन उसके बाहर से बॉटम का मेन बार आ रहा है, तो यहाँ से जो ये वाला स्पेसिंग बचेगा तो ये कवर से कुछ ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ डायमीटर ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे बॉटम टॉप मेन बार के लिए जब हम लेंथ निकालेंगे तो उसमें ये चीज डिडक्ट होगा। तो चलिए हम प्रोसीड फर्दर करते हैं कि यहाँ पे F1 फुटिंग के लिए हम क्या आप निकाल रहे हैं। तो हम ये आपको समझ में आ गया होगा कि बॉटम मेन बार हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो सपोज F1 फुटिंग के लिए हम आप कौन सा निकाल रहे हैं, बॉटम रेनफोर्समेंट इन बी डायरेक्शन, दैट इज बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये चीज सेम क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख लीजिए जो 1900 है, क्योंकि ये स्क्वायर फुटिंग है, 2000 2000 इसका दोनों साइड से डायमेंशन है, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज कमिंग आउट सेम। तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए हमारे पास स्पेसिंग भी यही रहेगा, नंबर ऑफ बार्स, कटिंग लेंथ और सेम आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं टॉप रेनफोर्समेंट की, जो टॉप में हमारे पास क्या है, टॉप रेनफोर्समेंट इन एल डायरेक्शन, जिसको हम टॉप मेश का मेन बार बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, क्या मैं फास्ट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, कहीं भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अगर आपको हमारे ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं कि घर में बैठ बैठ के आपको इस कंटेंट का आपको एक्सेस हो जाएगा, आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगे जब आप फील्ड में जाएंगे। अगर आप एज ए फ्रेशर भी है इस चीज पे आप काम कर सकते हैं, तो इट डजेंट मैटर, यू हैव टू वर्क ओनली एज ए क्वांटिटी सर्वेयर। आप किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, किसी साइट इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, तो भी आपको इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। इट डजेंट मैटर कि आपको सिर्फ एज ए QSE काम करना है। ओके, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अभी हमने बॉटम मेश का हमने कंप्लीट किया है F1 फुटिंग का, तो इसी तरह से टॉप का भी हम निकालेंगे। तो टॉप में जो मेन बार लगा है, तो टॉप में जो मेन बार लगा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, तो इसका लेंथ अब अलग क्यों आएगा, इसका लेंथ अब अलग क्यों आएगा, वो चीज मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो बॉटम की जब हमने लेंथ निकाला था तो उसमें हमने सिर्फ कवर माइनस किया था, यहाँ से एक कवर डिडक्ट हो रहा था और यहाँ से भी एक कवर डिडक्ट हो रहा था। लेकिन यही चीज अगर हम कंसिडर करते हैं टॉप मेन बार की, तो टॉप मेन बार में दोनों साइड से कवर भी डिडक्ट होगा, इसके अलावा जो 2 times डाया आप बॉटम मेन बार भी डिडक्ट होगा। That is why the length of the bottom, that is why the length of the top main bar is coming out different from the bottom main bar. Okay, तो ये हमारे पास अब F1 footing है, इसमें हम ये चीज अब अलग क्यों आया है, 16 times D लिया है। तो पहले बार में हमारे पास डाया कितना था, 12 mm, that's why it is 192, और जो ये जो टॉप बार है इसमें कितना है, 10 mm का ले रखा है, 16 times D, तो it is 160. अब 1876 क्यों आया है, ये आप देख लीजिए, 2000 में दोनों साइड से एक तो कवर भी डिडक्ट किया है और बॉटम बॉटम का डाया कितना है, 12 mm, तो दोनों साइड से वो भी डिडक्ट करके हमारे पास जो वैल्यू आया दैट्स कमिंग आउट सम डिफरेंट। ओके, तो इसी चीज को फॉलो करते हुए हमारे पास जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि स्पेसिंग कहाँ कितना है, 180 mm स्पेसिंग इज सेम,
एंड हमारा डाया बार इज 10 mm इन द टॉप रेनफोर्समेंट। तो बॉटम में जो हमारे पास बॉटम मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है दोनों में क्या है 12 mm का इसमें डाया है, लेकिन जो टॉप में मेन बार और बॉटम बार है दोनों में डाया कितना है 10 mm है। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए हमारे पास नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट किया है, फिर कटिंग लेंथ, और कटिंग लेंथ से हमारे पास टोटल वेट आया। तो इनको हमने अलग लिखा है, 10 mm की कॉलम में लिखा है, सो दैट वी बी एबल टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ 10 mm स्टील एज वेल। आई होप कि आपको F1 फुटिंग का जो मैंने एक्सप्लेन अभी तक किया है, एक्सेल की फॉर्मेटिंग पे आपको मैंने बताया है, स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग से हम कहाँ से गाइडलाइंस लेते हैं, कहाँ से हम डेटा लेते हैं, वो चीज भी आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट रेनफोर्स क्यूएसटी टीम टू गिव यू दिस काइंड ऑफ लेक्चर सीरीज इन द फ्यूचर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द F2 फुटिंग। अब हम F2 फुटिंग पे जाते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हमें क्रॉस सेक्शन एक ही दे रखा होता है, ड्राइंग में आपको हर एक के लिए अलग अलग क्रॉस सेक्शन नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल आप वहां पे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में कुछ वेरिएशंस हो। जब तक कोई वेरिएशन नहीं आएगा तब तक आपको अलग क्रॉस सेक्शन नहीं दे रखा होगा, या पैटर्न में कुछ डिफरेंट होगा तब जाके आपको अलग क्रॉस सेक्शन देगा। तो अब हम जाते हैं F2 फुटिंग पे। F2 फुटिंग हमारे पास 10 इसमें यूज की गई है, तो हमने कहाँ पे काउंट किया है जब हम क्वांटिटी निकाल रहे थे प्रीवियस वीडियो में। तो दिस इज द फुटिंग लेआउट प्लान। ओके, तो F1 फुटिंग हमारा हो गया। अब जो F2 फुटिंग है उसका डायमेंशन कितना है 2.2 मीटर। अगेन इट इज द स्क्वायर फुटिंग विद डिफरेंट डायमेंशन। ओके, वहां पे 2 मीटर था, यहाँ पे 2.2 मीटर का फुटिंग दे रखा है। तो चलिए, क्रॉस सेक्शन आपको अब समझ में आ गया है कि अब हमें ये स्टेप्स कहाँ पे फॉलो करने हैं F2 फुटिंग के लिए। हम क्या निकालेंगे, टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। ओके, तो लास्ट में आपको मैं जो गाइडलाइंस दे रखे होते हैं उन गाइडलाइंस को भी पढ़ूंगा थोड़ा सा। आप मेरे साथ रहे वीडियो के एंड तक, गाइडलाइंस को भी आपको समझ आइएगा, तो देन इट विल बी बेटर फॉर यू टू understand it easily, okay? Wait, cross section को skip कर गया। Yes, ये हमारा cross section है, इस चीज को हम समझ रहे हैं। देखिए, अब जो bottom, top main bar भी हमें समझ में आ गया है, जो top bar में, top mesh में जो हमारे पास distribution bar है, उसमें क्या क्या deduct जाएगा, उसमें तीनों इसमें क्या डिडक्ट जाएगा, टॉप का मेन बार का डाया भी जाएगा, बॉटम मेन बार का डाया भी जाएगा, और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया भी माइनस जाएगा। तो वही चीज इन्होंने एक्सेल पे किया है। देखिए, तो 160 सेम रहेगा, ये वाला लेंथ भी सेम आएगा, और हमारे पास टोटल क्वांटिटी F1 फुटिंग का आया। तो F2 फुटिंग है हमारे पास, अब 2.2 मीटर था, तो उसमें दोनों साइड से कवर माइनस किया है, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, बॉटम रेनफोर्समेंट इन एल डायरेक्शन। तो यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए हर एक फुटिंग में हमने बनाया है। तो अब आप बोलेंगे सर ये शेप्स कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको यहाँ से बाकी आपको पता चल गया कि फॉर्मुलेज कैसे एक्सेल पे पुट करते हैं। तो अगर हमें कोई भी शेप बनाना होगा तो हम कहाँ पे जाते हैं, बॉर्डर में जाते हैं, लाइन को सिलेक्ट करते हैं, लाइन स्टाइल लेते हैं, ये वाला हमने लिया है, तो इस तरह से शेप को ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो अगर बॉटम का है तो इस तरह से बनाएंगे, टॉप का होगा तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर इसमें डायमेंशंस लिखेंगे, लेंथ कितना आया, कटिंग लेंथ कितना आया, तो इसी तरह से हम जो भी हमारे पास शेप बनाना होगा वो बनाएंगे। तो आगे हम जब स्टर बीम का करेंगे तो बीम में मैं आपको ये भी बताऊंगा स्टीरअप्स कैसे बनाएंगे, उनका लेंथ जो हमारे पास स्टीरअप का बीम में स्टीरअप लगता है उसका शेप कैसे बनाएंगे, तो वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया कि पूरे फुटिंग में इसी तरह से F1, F2, F3 में आई डोंट थिंक कि मुझे अब ये चीज भी अलग अलग से एक्सप्लेन करना होगा कि सेम पैटर्न हर एक में F1, F2 में, F3 में फॉलो किया गया है। अब सिर्फ यहाँ पे जो डेटा आ रहा है दैट इज सम डिफरेंट नंबर अलग आएगा, नंबर ऑफ फुटिंग्स अलग आएगा। ओके, नंबर ऑफ बार्स अलग आएगा, बाकी मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास हर एक का क्वांटिटी अलग अलग आएगा।
तो ये क्वांटिटी जो हमारे पास आ जाती है इसी में हम फिर क्वांटिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यूनिट वेट को अब हमें यहाँ पे लिख दूंगा जो हमारे पास, तो एक्सेल पे आपको अभी तक ये चीज समझ में आ गया है कि कौन कौन से स्टेप्स निकालते हैं। तो टोटल वेट हमारे पास कैसे आता है, टोटल वेट इसके बराबर होता है, तो कटिंग लेंथ आपने देखा है, कटिंग लेंथ निकाला हुआ है एक्सेल शीट पे, कटिंग लेंथ निकाला हुआ है। तो कटिंग लेंथ को ही हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेट के साथ। यूनिट वेट क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 162, वेयर डी इज द डायमीटर। यूनिट वेट, कटिंग लेंथ इनटू यूनिट वेट इनटू नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स भी हमने एक्सेल में देखा है कि कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बार्स, कटिंग लेंथ, यूनिट वेट इनटू नंबर ऑफ बार्स, इनको, इन सबको जब हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आता है वो केजी में आता है। तो उसको हम अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको टन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा सेशन किसके रिलेटेड था कि इस लाइव, जो हमारा लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है G+2 बिल्डिंग का, तो इसमें डबल मेश का फुटिंग था। तो डबल मेश फुटिंग का मैंने आपको पहले सिंगल मेंबर एनालिसिस सिखाया, फिर मैंने बताया कि बॉटम रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, टॉप रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर ऑफिशियल चैनल। अगर आप पूरे एक्सेल फॉर्मेटिंग के साथ, डिफरेंट काइंड ऑफ फुटिंग्स के साथ, तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन बैच। हमारे ऑनलाइन बैच 4-5 पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, यू कैन व्हाट्सएप ऑन आवर ऑफिशियल नंबर। इसके अलावा भी हम हमारे वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा काम आप प्रोफेशनली सीखे, इसी चीज में आपको प्रोफेशन आपको आगे जाना है, तो यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन बैचेस दैट आर करंटली गोइंग। तो उन चीज, उस वहां से आपको ये पूरा चीज, आपको ये एक्सेल पे कैसे काम करना होता है, अगर आपने कभी एक्सेल चलाया भी नहीं होगा, वो चीज भी आपको सिखाएंगे, कैसे एक्सेल पे फॉर्मेटिंग की जाती है, हर एक चीज को प्रोफेशनली आपको सिखाया जाएगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमें करूंगा, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो गाइडलाइंस रेनफोर्समेंट, ये चीज मैं, मुझे पहले ही एक्सप्लेन करना होता है, आई स्किप दिस थिंग, सॉरी। तो ये चीज मैं अब आपको बताऊंगा कि रेनफोर्समेंट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दे रखी होती है। तो एक तो टॉलरेंस के लिए, टॉलरेंस ऑफ प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट दे रखा होता है कि कितना टॉलरेंस, -10 + 10 mm का तक का टॉलरेंस आप ले सकते हैं। तो कवर के लिए कितना टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, वो चीज भी यहाँ पे दे रखा होता है। तो लैपिंग जो हम लेते हैं, लैपिंग के लिए एज पर IS 456 कितना लेना है, 47 टाइम्स डायमीटर लेना है, और वहीं पे लैपिंग हमें देना है जहां पे मेंशन होगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। यही चीज भी इन्होंने यहां पे मेंशन किया है, लैप रेनफोर्समेंट ओनली एट लोकेशन शोइंग इन द ड्राइंग, वहीं पे हमें प्रोवाइड करना है। रेनफोर्समेंट इज रिप्रेजेंटेड डायमेटिकली एंड इज नॉट नेसेसरी ट्रू इन प्रोजेक्शन। तो ये हमें डायग्रामेटिकली हमें एक्सप्लेन किया गया, इट्स नॉट ट्रू इन द प्रोजेक्शन। ओके, तो कवर कितना लेना है, बीम, कॉलम, ये सब चीजें यहाँ पे डिटेल्स दे रखे होते हैं। एंड फर्दर गाइडलाइंस, बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट किस हिसाब से होना चाहता है, जिस तरह से हमारे पास गाइडलाइंस दे रखी है IS 456 में, उसी हिसाब से हमें बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट करना है। तो रेनफोर्समेंट शैल बी सब्जेक्ट टू लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटरमाइन द डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो रेनफोर्समेंट का जब हम साइट पे लाते हैं, उसको बिफोर टेकिंग इन टू दैट कंसिडरेशन, उसके पहले उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के लिए टेस्ट होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन ऑफ रेनफोर्समेंट शैल बी completed at least 24 hours prior to scheduling concrete placing. Notify engineer at least 48 hours prior to schedule concrete placing to allow time for. तो ये जो पूरे गाइडलाइंस होते हैं, ये एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या क्या करना होता है, किन किन चीजों को कंसिडर करना होता है, वो सब चीजें दे रखी होती है। लेकिन जब आप BVS कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा दे रखा होता है, उस डेटा को आप ले लेंगे जो पहले दे रखा होता है रेनफोर्समेंट सेक्शन में, उस डेटा को ही कंसिडर करके आप पूरे BVS कैलकुलेशन करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डबल मेश फुटिंग में हमें टॉप में मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार या बॉटम में मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, सबका अलग अलग रेनफोर्समेंट निकालना होता है, क्वांटिटी निकालनी होती है, फिर डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, तब जाके हम फिर एक्सेल पे प्रोफेशनली इस चीज को बना पाते हैं। And thank you guys for showing your support and watching this video. Thank you so much. Please subscribe to our official YouTube channel and the link is given. और आपको कोई भी question होगा इस session के related, you can comment in the comment section. Thank you so much. Stay home, stay safe, stay happy. Thank you so much.